कर्नाटक के मुख्यमंत्री कुमार स्वामी के शपथ ग्रहण समारोह में मायावती को लेकर सोनिया गांधी का ये प्यार, हाथों में हाथ और एक दूसरे से मिलते हुए सिर, ये तस्वीरें यूं ही नहीं दिखी। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि आने वाले वक्त में मायावती कितनी अहम है। 2019 की जंग के लिए मायावती विपक्ष का जबरदस्त मोहरा साबित हो सकती हैं। लेकिन एक वक्त वो भी था जब तमाम राजनीतिक पंडित ये कयास लगाने लगे थे कि अब मायावती की राजनीति खत्म हो गई। बात ज्यादा पुरानी भी नहीं, 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी की लहर में बीएसपी को एक भी लोकसभा सीट नहीं मिल सकी थी। वही मायावती आज सबके सामने शर्तें रख रही हैं। यूपी में एसपी बीएसपी के गठबंधन ने 3 सीटों पर हुए उपचुनाव में साबित कर दिया कि अगर मायावती साथ आ जाएं तो बीजेपी जैसी पार्टी के गढ़ में भी सेंध लगाई जा सकती है। एसपी बीएसपी के गठबंधन ने 25 साल पुराने बीजेपी के गोरखपुर सीट को छीन लिया। यही नहीं, मायावती ने कर्नाटक में महज एक विधायक के बूते कांग्रेस और जेडीएस के गठबंधन की सरकार बनाने में भी अहम भूमिका निभाई। अखिलेश तो कई बार कह चुके हैं कि बीजेपी को रोकने के लिए वो बड़ी कुर्बानी देने को तैयार हैं। तो वहीं कांग्रेस भी मायावती को पीएम पद का उम्मीदवार बनाए जाने का संकेत दे चुकी है। अब सवाल उठता है कि बीएसपी विपक्ष के लिए इतनी जरूरी क्यों बन गई है। जानकारों की माने तो बीएसपी का अपने कोर वोट बैंक पर जबरदस्त पकड़ है। मायावती आज भी दलितों में पैठ रखती हैं। यही वजह है कि 20% दलित वोट बैंक के नाम पर मायावती बड़ी बड़ी पार्टियों के आगे शर्तों पर अड़ जाती हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी वोट प्रतिशत के लिहाज से बीएसपी बीजेपी और कांग्रेस के बाद तीसरी बड़ी पार्टी थी। यही नहीं, 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी भले ही बीएसपी हार गई हो लेकिन वोट प्रतिशत के मामले में दूसरे नंबर पर रही। राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, ओडिशा में भी बीएसपी का वोट बैंक है। यही वजह है कि मायावती की बार्गेनिंग पावर ज्यादा है, उनके पास अपने वोट को ट्रांसफर कराने की ताकत भी है। इसीलिए 2019 के चुनाव में मायावती का फैक्टर सबसे महत्वपूर्ण है।